नाजरीन व हजरात, आप सभी का तेलंगाना क्राइम न्यूज में चीज़ में हर काम में रहते। एक्चुअली क्या है बोल तो, ये मच्छरों की तरफ से बहुत जीना हराम हो गया तालाब में। ये जो बंडा चोरू तालाब में जो पानी है, इससे हरियाली जो बढ़ गई, इसकी साफ सफाई नहीं हो रही, इसके तरफ से मच्छर से जीना हराम हो गया। छोटे छोटे बच्चे डेंगू मलेरिया बुखारों से बहुत परेशान है, हर हॉस्पिटल भर के है। ये रमज़ान में ये तकलीफ हर एक को, हिंदू बोल के नहीं, मुसलमान बोल के नहीं, सिख नहीं, क्रिश्चियन बोल के नहीं, हर एक को ये परेशानी है। हर बच्चा दवाखाने में, छोटा छोटा बच्चा, इसके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ KTR साहब से और KCR साहब से और ये म्यूनसिपल के चेयरमैन साहब से, मैनमपल्ली हनुमंत राव MLA साहब से, ये अब यह कारपेटर साहब या और ये धुआं मच्छर का धुआं मारने कम से कम 2 दिन को 3 दिन को एक बार आना। ये आने को गाड़ियां नहीं है बोल के कंप्लेंट दे रहे, तो गाड़ियां नहीं है बोल के एक डिक्लेरेशन दे रहे हो लोग, मगर ये एरिया वाइज को कम से कम 2 दिन को 1 बार 3 दिन को 1 बार क्लीनिंग को तो भी रखना। ये क्लीनिंग के वास्ते कितने की बार बोल चुके हैं, इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ये एक रिक्वेस्ट है म्यूनसिपल चेयरमैन से और हमारे मैनमपल्ली साहब से और ये आपके जो KTR साहब वर्किंग प्रेसिडेंट मिनिस्टर है ये TRS के, ये म्यूनसिपल का IT के उन्होंने है बोल के तीन चार है उनके पास बोल के हम ये बात बोल रहे हैं, मगर ये चीज़ भी देखना चाहिए। मगर रमज़ान का महीना है, ये तो भी कम से कम देखिए, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे इसके तरफ से। यहाँ बोल के नहीं, और एक उधर तरफ भी है मौलाली के तरफ से, जो कचरे के गाड़ियाँ मेन रोड पे लगा दे रहे पूरा, वहाँ का भी एक कंप्लेंट है, वो भी कचरे की गाड़ी की तरफ से हर मच्छर पूरा घरों में घुस के बहुत परेशान कर दे रहा, आदमियों को नींद नहीं रह रही रात भर, कितना भी करो बच्चे बीमार रह रहे। हॉस्पिटल में तो तकरीबन लोग है, आपसे नहीं कम से कम ये महीना भर से हॉस्पिटल में, आप कोसे हॉस्पिटल में भी चेक कर लीजिए, उतनी पब्लिक वैसी है। ये ज़रा परेशानी हल कर दीजिए, मुसलमानों की नहीं, हिंदू बोल के नहीं, हर जनों की परेशानी इससे हल होती, या हर लोग परेशान हैं मच्छर की तरफ से। ये एरिया आनंदबाग एरिया है, RTC कॉलोनी वैसी है, मौलाली वैसी है, डॉक्टर कृष्णा नगर, शिवानंद नगर, KCR बस्ती, नाना हिल्स, ये भारत नगर, शफी नगर, शादुल्ला नगर, ये जो एरिया है, ये एरियों में जितनी परेशानी मच्छरों की और कचरे की जो परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है, इसको हल करिए फर्स्ट, ये चीज़ को हल करिए। और ये मैं रिक्वेस्ट ये है, हर म्यूनसिपल्टी वाले को शाम होते कि धुआं मारने वाले को, सफाई वाले को, एक RTC कॉलोनी, एक हनुमान नगर एरिया वाइज एक 2 जनों को भिजाइए, ये रिक्वेस्ट है। हर जगह वैसी है, हर मस्जिद के सामने भी वैसी है, मस्जिदों के सामने जब खाना खिला रहे रोजदारों को, सफाई भी नहीं हो रही, नेक्स्ट दिन कम से कम सफाई म्यूनसिपल के जो काम वाले हैं उनके सुपरवाइजर, नेक्स्ट दिन यहाँ दावत हुई बोल के मालूम है तो नेक्स्ट दिन गाड़ी लगाना, साफ सफाई रखना, ये कुछ नहीं है। RTC कॉलोनी, हनुमान नगर, मौलाली, ये हर जगह यही परेशानी है, इसकी परेशानी को देख लीजिए पहली बात। ये जो जो छोटे छोटे लीडर्स है, ये लीडर्स क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों तक मैनमपल्ली साहब तक तो जाने की जरूरत नहीं है। ये लीडर छोटे छोटे लीडर जो कर रहे हैं, इन लोग देख ले के बोल लेना क्या है क्या नहीं परेशानी, इन लोगों कुछ करने के नहीं है, खाली बैठ जा रहे, कहाँ बोले वहाँ बातें कर लिए, ये आया वो आया, पार्टी इस टाइम पे वोट कर लिए खत्म, ये यहाँ तक ही छह लोगों का। ये छोटे छोटे लीडर्स भी, ये गली में क्या परेशानी है ये भी देखना, खाली व्हाइट शर्ट डालने से कुछ काम नहीं होता, ये हर चीज़ ये देख लेके इन बड़े लोग कन जाना बोलते, ये छोटा लीडर बोले तो ही मालूम होता, बड़े लीडर की गलती इसमें कुछ नहीं है, छोटे लीडर्स भी गली को एक लीडर है इस टाइम पे, गली वाले भी काम करना, ये चीज़ की परेशानी है, ये चीज़ की परेशानी है, पब्लिक में फिरना, काम करना, सोशल वर्क, जब वोटों के टाइम पे जैसा फिर रहे पब्लिक में, वोट डालो बोल के, ये चीज़ के भी देखना क्या परेशानी है पब्लिक में। मैं इसका ये की बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट आप लोगों सबसे, इसको कुछ गलत नहीं समझना, आप लोगों के अच्छे के लिए बोल रहा हूँ मैं किसी पार्टी के वास्ते नहीं बोल रहा हूँ। हर चीज़ अपना सोच लो, पहली बात अपन क्या है, अपन कैसा रहना, अपन क्या करे तो अच्छा रहता, अपने एरिया में क्या करे तो अच्छा रहता, ये करो, ठीक है भाई।